रास्ते खुलेंगे भाई, हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट को जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। अन्य व्यक्ति वहां बेचता है जहां लोग खरीददार होते हैं। डकैत डकैत बन गए हैं, सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है। देश में किसान आंदोलन को एक साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। किसान अपनी जिद पर है और सरकार कस से मस होने का नाम नहीं ले रही। किसान आंदोलन तो मानो ऐसा आंदोलन हो गया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से बाहर निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत अपने आप को आका मान चुके हैं और उन्हें लगता है कि वो देश की दिशा और दशा बदलने का दम रखते हैं। खैर, हमें क्या ये आंदोलन है या कोई राजनीति सत्याग्रह, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राकेश टिकैत ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे देश की राजनीति गलियारों में सुबगाहट शुरू हो गई। बता दें कि राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों को अगर बॉर्डरों से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों का गल्ला मंडी बना देंगे, जिसके बाद अब यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार किया है। साक्षी महाराज ने कहा राकेश टिकैत डकैत बन गए हैं। उन्होंने कहा सदन के सामने कोई मंडी नहीं है तो फिर राकेश टिकैत कहाँ अनाज बेचेंगे। जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। और रास्ते खुलेंगे भाई, हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे, रास्ते तो खुलने ही चाह। हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली, ट्रैक्टर जाएंगे। लेकिन इन सब बयानों से हमें क्या, हम जनता हैं और हमें सब मालूम है। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम।